रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ एल्केन्स, रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, एल्केन्स हमने आइसोमर्स पिछली क्लासेस में बेटा कर लिया है। अब हमारा है टॉपिक रिएक्शन ऑफ एल्केन्स, और एल्केन्स के अंदर हमने पहले तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स देखना है कि एल्केन्स क्या रिएक्टिव हैं या लेस रिएक्टिव है। वैसे आप लोग क्या कहते हैं भाई एल्केन्स के बारे में? आपको इतना तो पता है ना कि एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, और एल्केन्स आर नॉन पोलर। तो अब जरा बताएं एल्केन्स सैचुरेटेड है या रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है बेटा? शाबाश, एल्केन्स के बारे में आप क्या कहते हैं? जी बेटा, एल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स, लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। रीजन पता है क्या है व्हाई एल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव? कि ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड। पहली बात कि तमाम बॉन्ड इसमें सिग्मा बॉन्ड है, और दूसरी बात बेटा कि नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर बॉन्ड्स। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉन पोलर। तो ये जो बेटा दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है ना कि ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, और दूसरी प्रॉपर्टी के कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉन पोलर, ये दो प्रॉपर्टीज एल्केन को लीस्ट रिएक्टिव बनाते हैं। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि एल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव, तो ये किस टाइप के रिएक्शन देंगे, कौन से ये रिएक्शन देंगे कि हम बेटा भी देखते हैं कि ये कौन से रिएक्शन देंगे। एल्केन्स जो हैं तीन तरह के रिएक्शन देते हैं। पहला जी रिएक्शन होगा इसका कंबसन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन देता है जिसमें आगे कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों आ जाएंगे। दूसरा है बेटा क्रैकिंग, एल्केन्स की आप क्रैकिंग भी कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन में ब्रेक डाउन करना ताकि आपको यूजफुल फ्रैक्शन मिल सके। और थर्ड वन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तीन टाइप्स के रिएक्शन हैं। ठीक है, इन तीन टाइप्स के बेटा रिएक्शन को भी हमने देखना है। तो सबसे पहले आ जाएं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर बेटा, ये हमने आज करना। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको समझनी होंगी रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है कि रेडिकल क्या होता है, व्हाट इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होगा, तो इसकी बेटा आप डेफिनेशन ये लिख लें, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which have unpaired electron। अभी ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा लेकिन पहले लिख लें, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड इफ अ बॉन्ड स्प्लिट्स या ब्रेक, इफ अ बॉन्ड स्प्लिट्स इवनली। अभी इवनली का मतलब भी आपको समझ आ जाएगा, ईच एटम गेटिंग, ईच एटम गेटिंग वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन, वन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स। This splitting या this breaking is called, this breaking of bond is called homolytic fission। बेटा ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारी बात। होमोलिटिक फिशन क्या होती है, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये देखें, और फ्री रेडिकल भी फिर आपको समझ आ जाएगा। बेटा देखें, जिस तरह आपके पास है ना क्लोरीन, ये क्लोरीन है जी, Cl2,
पर ये एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, राइट। आप इसको देते हैं सनलाइट या यूवी लाइट। क्यों यूवी लाइट या सनलाइट देने का मकसद ये होता है ताकि आप इसका बॉन्ड ब्रेक कर सकें जो कि दो क्लोरीन एटम्स के दरमियान है। तो आप जब इसको सनलाइट देंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरीके से, बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और हर एटम को उसका इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगा। अब देखो ये जो मैंने यहाँ पर ये एरो लगा रहा हूँ ना, आप पहली चीज तो ये नोट करें, ये हाफ एरो है ना बेटा, ये हाफ एरो है, कंप्लीट एरो है, जरा मुझे बताइए कि शाबाश आंसर दें, हाफ एरो है या कंप्लीट है? सर हाफ, हाफ एरो। हाफ एरो का मतलब ये होता है कि मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को आप हाफ एरो से शो करते हैं। ये मूवमेंट का मतलब ये बेटा देखो कि जब बॉन्ड टूटेगा ना तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन बेटा दोबारा क्लोरीन के पास वापस आ जाएगा। तो ये हाफ एरो किसको बताता है? एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को बताता है। तो आपके पास क्या बनेगा, देखो आपके पास ये बनेगा Cl डॉट और Cl डॉट। बड़े देखो ये फ्री रेडिकल क्यों है, क्योंकि क्लोरीन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 है। तो क्या इस क्लोरीन के पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है बेटा, बोलो? यस सर। तो इस बेस पर, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आप इसको क्या बोलते हो, फ्री रेडिकल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आप इसको क्या बोल रहे हो कि ये फ्री रेडिकल है, ठीक है जी। तो फ्री रेडिकल की डेफिनेशन पहले तो समझ लो कि ऐसे, अच्छा फ्री रेडिकल्स पर चार्ज क्या होता है बताइएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या चार्ज है फ्री रेडिकल पर? नो चार्ज। नो चार्ज, फ्री रेडिकल पर चार्ज कोई नहीं होता। फ्री रेडिकल्स आर द न्यूट्रल एटम बट हाईली रिएक्टिव, होते न्यूट्रल हैं ये फ्री रेडिकल्स, हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव है। और ये बनते कैसे हैं, बॉन्ड किस तरीके से टूटेगा बेटा, इसको बोलते हैं होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन कहते हैं ना ब्रेकडाउन को, मतलब बॉन्ड इस तरीके से टूट रहा है बेटा, बॉन्ड इस तरीके से टूट रहा है कि हर एटम को उसका इलेक्ट्रॉन वापस मिल रहा है। देखो ना ये कोवलेंट बॉन्ड था, दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना, लेकिन जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हर एटम को उसका इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया। इस फिशन को क्या बोलते हैं, होमोलिटिक फिशन। और होमोलिटिक फिशन जनरली ज्यादातर आपको दिखेगी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, ये है भाई होमोलिटिक फिशन। इसके मुकाबले में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दो तरह की फिशन चलेगी, एक होगी होमोलिटिक फिशन और दूसरी होती है बेटा हेट्रो हेट्रोलिटिक फिशन। हेट्रोलिटिक फिशन इसका मतलब ये है कि व्हेन अ बॉन्ड स्प्लिट्स अनइवनली, व्हेन अ बॉन्ड स्प्लिट्स अनइवनली, मतलब ये होगा कि वन एटम गेटिंग बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड द अदर नन। बट एक ही एटम ना दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाए और दूसरे को कुछ मिले ही ना, और इसके रिजल्ट में क्या होगा, आइंस वुड बी फॉर्म्ड, आइंस वुड बी फॉर्म्ड। तो इस फिशन को आप कहते हो हेट्रोलिटिक फिशन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन इज स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन इज स्लाइटली पॉजिटिव। अब देखो ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, यहां से ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा बेटा कि एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। यहां जरा एक चीज नोट करना, ये कंप्लीट एरो है, ये हाफ एरो है या कंप्लीट एरो? कंप्लीट एरो। देखो पहली बात तो ये है कि हेट्रोलिटिक फिशन क्यों हो रही है, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब बॉन्ड आप तोड़ोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के पास चले जाएंगे, तो आपके पास आयंस बनेंगे, आयंस। ऊपर वाली फिशन में और नीचे वाली फिशन में कोई बच्चा डिफरेंस बताया ना जल्दी से बेटा, ऊपर वाली फिशन में और नीचे जो मैंने अभी फिशन किया इसमें मेन डिफरेंस क्या है, जल्दी से बताइएगा। होमोलिटिक फिशन में और फ्री रेडिकल्स फॉर्म होंगे और हेट्रोलिटिक फिशन में
आयंस फॉर्म होंगे। यस, होमोलिटिक फिशन में बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होती है बेटा, ये भी बता दें। सर होमोलिटिक में इवनली और हेटरोलिटिक में अनइवनली। यस, मतलब अनइवनली का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, है ना। जी सर। तो इसके रिजल्ट में अच्छा दूसरी चीज यहां पर देखो, मैंने जो एरो लगाया इसको कंप्लीट एरो से शो किया, क्यों? कंप्लीट एरो मूवमेंट ऑफ दो इलेक्ट्रॉन्स बताता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है ना, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है इसको कंप्लीट एरो से शो करना है, एक इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है इसको हाफ एरो से शो करते हैं। अब बेटा आपको रिएक्शन समझ आएगा जो मैंने आज करवाना है, इसका नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपने ओ लेवल्स में भी किया हुआ है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा ये रिएक्शन। सर ये जो फ्री रेडिकल होते हैं इनमें और एक एटम में क्या फर्क होता है? बेटा एटम लाजमी नहीं है कि फ्री रेडिकल हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में? सिक्स कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नहीं। नहीं, तो ये फ्री रेडिकल नहीं है। अच्छा ठीक ठीक है, है। तो फ्री रेडिकल्स आर रिएक्टिव। फ्री रेडिकल्स जो हैं, हालांकि ये ऑक्सीजन भी रिएक्टिव है लेकिन फ्री रेडिकल इनसे भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अच्छा बेटा अब आ जाएं आप रिएक्शन के ऊपर, और रिएक्शन का नाम है हेलोजिनेशन इन एल्केन। हेलोजिनेशन इन एल्केन, और हम इसमें बेटा क्लोरीनेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये मुझे उम्मीद होगी बेटा आपको याद है, ओ लेवल्स में भी आपने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है। कोई बच्चा बताया कि इसमें कंडीशन क्या होती थी? कंडीशन मीन अगर आप वो नहीं देंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन? यूवी यूवी लाइट लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट, या सनलाइट भी लिख सकते हो भाई, हीट भी लिख सकते हो। जब आप यूवी लाइट दोगे ना, देखो बेटा क्या है कि एल्केन्स जो है ना ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। कोई बच्चा बता सकता है कि एल्केन्स जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे तो एल्केन में बॉन्ड कौन सा टूटेगा, कौन सा बॉन्ड एल्केन में टूटेगा? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड। लेकिन वो किन दो एटम्स के दरमियान होगा हमेशा? सीएच। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। बेटा जब भी एल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। और आपको एक और निशानी बताता हूँ, जब भी एग्जामिनर ने ये कंडीशन लिखी हो ना अल्ट्रा वायलेट लाइट, तो समझ जाओ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्योंकि अल्ट्रा वायलेट लाइट हमारे सिलेबस में जितने भी रिएक्शन है ना, अल्ट्रा वायलेट लाइट सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कंडीशन है, बस इसके अलावा कहीं और यूज नहीं होगा। तो इसलिए अब देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा, सुनिएगा कि यहां से बेटा HCl निकल जाएगा और ये जो हाइड्रोजन था ना, इस हाइड्रोजन की जगह ये क्लोरीन आकर लगेगा, ये आ गया CH3, ये आ गया Cl, साथ में आ गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, ठीक है। पर इसका मैकेनिज्म हमने देखना है कि ये रिएक्शन होगा कैसे। देखो एक तो ये आपने ओ लेवल में ही पढ़ा होगा ना कि आपने इसको आगे मजीद भी किया होगा, CH3Cl का मजीद रिएक्शन कराओगे CH2Cl2 बनेगा, फिर मजीद रिएक्शन कराओगे CHCl3 बनेगा, फिर रिएक्शन कराओगे CCl4 बनेगा, जब तक कि सारे हाइड्रोजन्स को हेलोजन रिप्लेस नहीं कर जाता ये रिएक्शन चलता रहता है, ठीक है। लेकिन आपने ओ लेवल्स में इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ा होगा, हम आज की क्लास में इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे कि ये रिएक्शन हुआ कैसे है, रूट ऑफ अ रिएक्शन क्या है या पाथ ऑफ अ रिएक्शन क्या है। पर इसका मैकेनिज्म देखिए, अब इसमें तीन स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर वन इनिशिएशन, स्टेप नंबर टू प्रोपगेशन, स्टेप नंबर थ्री टर्मिनेशन। ये बेटा तीन स्टेप्स हैं, इनिशिएशन प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। जब भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा इन तीन स्टेप्स में होना है। तो पहले तो बेटा शॉर्टकट समझ लें कि इनिशिएशन में होता क्या है। जो इनिशिएशन है ना, इसमें फॉर्मेशन ऑफ
फ्री रेडिकल्स होगा। इनिशिएशन में क्या चीज बनेगी भाई? फ्री रेडिकल्स बनेंगे। इनिशिएशन में फ्री रेडिकल्स फॉर्म होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी, कैसे बनेंगे ये देखें। स्टेप नंबर वन, इनिशिएशन। क्लोरीन जो है ना बेटा, देखें दो रिएक्टेंट है। कितने रिएक्टेंट है भाई इस रिएक्शन में, बोलिएगा कौन कौन से रिएक्टेंट है? एक मिथाइल है और CH4, एक है क्लोरीन। इन्होंने रिएक्शन करना है, लेकिन विदाउट यूवी लाइट तो रिएक्शन नहीं होगा बेटा। क्यों यूवी लाइट के बगैर रिएक्शन नहीं होगा बताइएगा? यूवी लाइट के बगैर एक्टिवेशन जी बेटा क्या होगा? सर, एक्टिवेशन एनर्जी। आप ये कहोगे कि असल में अल्केन्स बहुत ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, पर अगर आपने अल्केन्स का रिएक्शन करवाना है तो आपको अल्केन्स के सामने वाला जो रिएक्टेंट है वो बड़ा रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है? तो आपको बड़ा रिएक्टिव रिएक्टेंट चाहिए अगर आप अल्केन से रिएक्शन करवाना चाहते हो। तो इसलिए क्लोरीन तो रिएक्टिव नहीं है, तो आप यूवी लाइट दोगे। यूवी लाइट से होगा ये कि यूवी लाइट इसमें होमोलिटिक फिशन करेगा। यूवी लाइट क्या करेगा? होमोलिटिक फिशन मतलब बॉन्ड टूटेगा ऐसे करके। ये इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम के पास, तो आपके पास सीएल डॉट बन जाएगा। टू मोल्स ऑफ सीएल डॉट, ये क्या होंगे बेटा? इनको क्या बोलते हैं बोलिएगा? फ्री रेडिकल्स, ये रिएक्टिव होते हैं या स्टेबल होते हैं? हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव। अब ये फ्री रेडिकल्स रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। मैंने देखो अल्केन्स तो वैसे लेस रिएक्टिव होते हैं ना, लेकिन ये फ्री रेडिकल्स आपने बनाए ही इसीलिए हैं ताकि ये अल्केन से रिएक्शन करें। तो अब सेकंड स्टेप में क्या होने जा रहा है सुने? प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में पहले सुन लें शॉर्टकट के होता क्या है बेटा। प्रोपगेशन में ये होता है कि फ्री रेडिकल रिएक्शन करेगा नॉर्मल मॉलिक्यूल के साथ, और पता है क्या होगा? जो नॉर्मल मॉलिक्यूल है ना वो फ्री रेडिकल में रिएक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, और जो फ्री रेडिकल है ना बेटा वो पता है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नॉर्मल मॉलिक्यूल में। नॉर्मल मॉलिक्यूल में बोल रहा हूँ, स्टेबल मॉलिक्यूल। ये बेटा रिएक्शन है। और प्रोपगेशन रिएक्शन में, रिएक्शन प्रोपगेशन वाले स्टेप में रिएक्शन प्रोपगेट करेगा, यहां पर रिएक्शन प्रोसीड करेगा। प्रोपगेशन में रिएक्शन प्रोपगेट करेगा और आपका रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड होगा। अब देखते हैं जी इसमें रिएक्शन। देखिए ये आप अगर याद कर लेना कि प्रोपगेशन में रिएक्शन कौन कौन करेंगे। फ्री रेडिकल्स ने रिएक्शन करना है किसके साथ? नॉर्मल मॉलिक्यूल के साथ। और नॉर्मल मॉलिक्यूल जो है ये कन्वर्ट होगा फ्री रेडिकल में, और फ्री रेडिकल जो है ये कन्वर्ट होगा किस में? नॉर्मल मॉलिक्यूल में, ठीक है जी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अब इसको। बताएं जी अभी तक कोई फ्री रेडिकल हमारे पास बना है या नहीं बना? पहले स्टेप में बन चुका है सीएल डॉट। नॉर्मल मॉलिक्यूल कौन सा होगा भाई इस रिएक्शन मिक्सचर में, बोले? नॉर्मल मॉलिक्यूल है मीथेन। अल्केन मीथेन, तो मीथेन के साथ रिएक्शन होगा। ये देखना CH4 प्लस सीएल डॉट। अब बेटा रिएक्शन ये होगा, आपको मैंने ये बात अभी बताई है, फिर बता रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड हमेशा ब्रेक होता है, बोलिएगा? सीएच बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा ब्रेक होगा इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर भी बेटा ये बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ब्रेक्स इवनली। और ये हाइड्रोजन का जो भी एटा एक इलेक्ट्रॉन है ना, और ये जो क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। क्या बनेगा भाई? HCl। और डॉट बोलिएगा किसके ऊपर आ जाएगा? डॉट किसके ऊपर आएगा? डॉट किसके ऊपर आएगा बेटा? मिथाइल किसके ऊपर आएगा? मिथाइल कार्बन, मिथाइल के ऊपर, कार्बन के ऊपर बेसिकली। और साथ में बनेगा HCl। तो जरा ऊपर वो देख लें जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, क्या ये बात ठीक साबित हुई है कि फ्री रेडिकल, दिस इज फ्री रेडिकल, ये किस में जाएगा? नॉर्मल मॉलिक्यूल में। जा रहा है नहीं जा रहा बेटा? सर। और जो नॉर्मल मॉलिक्यूल है ये किस में जा रहा है बेटा? फ्री रेडिकल में। ये देखिए तो नॉर्मल मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल में जा रहा है। अब ये बात भी याद रखो कि प्रोपगेशन दो स्टेप में होता है। प्रोपगेशन के दो स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप हो गया, अभी दूसरा स्टेप होगा। दूसरी बात ये भी याद रखो
कि प्रोपगेशन स्टेप जो है ना बेटा, उसमें आप ये प्रूफ करते हैं कि ये दो प्रोडक्ट्स बने कैसे हैं। अभी फर्स्ट स्टेप में क्या चीज आपने प्रूफ करके दिए? HCl। फर्स्ट स्टेप में आपने ये बताया है कि HCl कैसे बना है, ये देखें HCl आपके मेन रिएक्शन में था ना। अब सेकंड स्टेप में आप क्या प्रूफ करके देंगे कि ये CH3Cl कैसे बना है, ये आपने प्रूफ करना है। अब प्रोपगेशन का सेकंड स्टेप, बट यही फ्री रेडिकल जो अभी ऊपर बना है, यही फ्री रेडिकल जो अभी ऊपर बना है, ये बेटा रिएक्शन, ये अब रिएक्शन करेगा। वैसे गैस कर सकते हैं ये किसके साथ रिएक्शन करेगा बेटा? सर Cl2। Cl2 के साथ। क्या Cl डॉट के साथ भी कर सकता है? यस कर सकता है, लेकिन अभी आपको बताऊंगा कि वो कब करेगा। अभी आपको बेटा काफी चीजें इसमें बतानी है। पर ये रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ। बास बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर Cl2 तो आपने ऊपर सारे का सारा ब्रेक कर दिया भाई, वो तो Cl डॉट में चला गया है, तो ये Cl2 कहां से आया? तो पहली बात ये कि बेटा ये जो Cl2 है ना, यूवी लाइट देंगे तो क्या सारे के सारा क्लोरीन Cl डॉट में चला जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहां पर लाइट जा रही होगी वो एरिया तो Cl डॉट में जा रहा होगा। दूसरी बात, सपोज करते हैं सारा चला भी गया अगर, तो अभी आपको अगले स्टेप में ये बताऊंगा कि ये जो दो बेटा आपको फ्री रेडिकल्स नजर आ रहे हैं ना यहाँ पर, ये वाले, ये फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्शन भी कर जाते हैं। बताएं जरा, अगर ये दो फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्शन करें तो क्या चीज बनेगी बेटा? ये Cl डॉट और Cl डॉट आपस में रिएक्शन करें तो क्या बनेगा? Cl2। Cl2 बनेगा। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखें कि ये Cl2 कहां से आया, इसके बहुत सोर्सेज हैं भाई। टेस्ट ट्यूब में पड़ा हुआ है कुछ अनरिएक्टेड जो कि ब्रेक ही नहीं हुआ, ये वो है। तो अब ये होगा कि बेटा ये जो Cl2 है ना, ये मिथाइल रेडिकल के साथ CH3 डॉट, वैसे फ्री रेडिकल को पढ़ने का तरीका ये होता है CH3 डॉट, डॉट पढ़ते हैं आप, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डॉट से पढ़ते हैं। तो ये बेटा क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, आप इसमें बॉन्ड बनाएंगे और यहां से बॉन्ड टूटेगा। ये देखिएगा CH3, और ये बेटा आपके पास बनेगा Cl, ये देखें जी, और साथ में Cl डॉट। आपको क्या बताया था बेटा? मैंने आपको ये कहा था कि प्रोपगेशन में ना आप ये बात प्रूफ करते हैं कि ये दो प्रोडक्ट्स कैसे बने। देख लो, प्रोपगेशन के पहले स्टेप में आपने HCl बनाया, प्रोपगेशन के सेकंड स्टेप में आपने CH3Cl बनाया। अब ये जो चीजें बची हैं इसका बताऊंगा कि इसका क्या करना है बेटा, इसका भी बताता हूँ। लेकिन जरा प्रोपगेशन का ये अगर आप समझ लो ना पहले कि फ्री रेडिकल और नॉर्मल मॉलिक्यूल में रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल ने नॉर्मल मॉलिक्यूल में जाना है और नॉर्मल मॉलिक्यूल ने फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होना है, और प्रोपगेशन के दो स्टेप हैं। पहले स्टेप में आप HCl बनाते हैं और सेकेंड स्टेप के अंदर आप अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रूफ करके देते हैं। अब लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन जैसे के नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए, बट टर्मिनेशन इनिशिएशन के ऑपोजिट है। तो आप गेस कीजिएगा इनिशिएशन में क्या हो रहा था बेटा? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो टर्मिनेशन में पता है क्या होगा? टर्मिनेशन के अंदर फ्री रेडिकल्स रिएक्ट करेंगे। टर्मिनेशन में क्या होगा? फ्री रेडिकल्स आप इसमें रिएक्ट करेंगे और इनका रिएक्शन होगा, मतलब ऑपोजिट टू इनिशिएशन, और रिएक्शन को टर्मिनेट करेंगे। अब मेरी बात सुनिए बेटा, एक और मैं इसको ना जरा फ्लिप करता हूँ, आपको एक चीज समझानी है मैंने। ये बेटा आपको ना अब मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी जहां से मैंने मैकेनिज्म लिखा है, ये आप समझें, ये पूरी स्क्रीन आपकी एक टेस्ट ट्यूब है, राइट? ये एक टेस्ट ट्यूब है और आपने मुझे बताना है कि फ्री रेडिकल्स कहाँ कहाँ है, क्योंकि देखो एक ही टेस्ट ट्यूब है ना ये सारी, और टर्मिनेशन में क्या होगा कि जहां जहां फ्री रेडिकल्स होंगे वापस में रिएक्शन करेंगे। क्या ये दोनों फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्शन कर सकते हैं? बोलिएगा जरा। यस सर, कर सकते हैं ना बेटा। देखिए ये हो सकता है कि ये Cl डॉट आपस में रिएक्शन करते हैं, आगे रिएक्शन प्रोसीड ना हो, सब पॉसिबिलिटीज हैं। तो पहला स्टेप ये होगा टर्मिनेशन का कि Cl डॉट एंड Cl डॉट ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे? Cl2 बना देंगे, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी कोई और बच्चा बताए, कोई से दो फ्री रेडिकल्स को जोड़ना है, कौन से दो फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं जो आपस में रिएक्शन कर जाए? Cl डॉट। कौन बेटा? CH3 डॉट एंड Cl डॉट। शाबाश, देखो अगर ये करें ना आप इसमें रिएक्शन, ये Cl डॉट और ये CH3 डॉट, ये देखो ये वाला,
ये दोनों देखो ये एक ही टेस्ट ट्यूब है ना भाई, जब एक ही टेस्ट ट्यूब है तो ये पॉसिबिलिटी तो है कि दोनों डॉट्स एक दूसरे के आमने सामने आकर कोलाइड कर जाएं और फौरन एक नई चीज बना दें। तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये है, सेकंड पॉसिबिलिटी बेटा ये है कि CH3 डॉट प्लस क्लोरीन डॉट, ये आपस में रिएक्शन कर जाएं ऐसे करके और क्या बना देंगे, मिथाइल क्लोराइड। थर्ड कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है बेटा? CH3 डॉट, दोबारा CH3 डॉट से मिथाइल और मिथाइल आपस में क्यों, ये तो एक ही है भाई, मिथाइल किससे रिएक्शन करे? सर, ये सीएल सर हाँ CL डॉट ने तो भी किया था ना, तो इसको भी करा दें नहीं, CL डॉट तो दो है ना, ये तो एक ही है। सर। टेस्ट ट्यूब में एक थोड़ी होगा, काफी होंगे। यस शाबाश, पर ये CH3 डॉट तो ट्रिलियंस ट्रिलियंस में होंगे भाई, बहुत ज्यादा होंगे। तो ये CH3 डॉट आपस में रिएक्शन कर सकते हैं और कार्बन चेन आपकी डबल हो सकती है। ये देखो CH3 डॉट, अभी मैं आपको इसमें कुछ चीजें हैं जो बताऊंगा, आपको आपके लिए करना लाजमी नहीं है। कि बेटा ये दोनों डॉट्स इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, कार्बन चेन डबल हो गई है, इथेन बन गया भाई, इथेन। तो ये रिएक्शन किसी भी लिहाज से सूटेबल नहीं है। वैसे तो ये आप करते क्यों है, ये बनाने के लिए बेटा, ये हेलोजेनो एल्केन बनाने के लिए, लेकिन ये रिएक्शन किसी भी लिहाज से सूटेबल नहीं है। हम हेलोजेनो एल्केन इस तरह नहीं बनाते इंडस्ट्री में, क्यों? उसकी रीजन ये है कि बेटा इसमें कितने ज्यादा साइड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। जब साइड प्रोडक्ट बनते हैं ना, तो जो आपकी मेन प्रोडक्ट है वो कम हो जाती है, और वो कभी भी रिएक्शन इंडस्ट्री में फेवरेबल नहीं होता। फेवरेबल रिएक्शन वो होता है जिसमें साइड प्रोडक्ट कम से कम बने। अब जो जो चीजें आपने रिएक्ट इसमें नहीं करनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर करेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, कोई एरो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है बेटा। ये जो एरोज मैंने ड्रॉ किए आपको समझाने के लिए किए, ड्रॉ कर देंगे अच्छी बात है, लेकिन ड्रॉ नहीं करेंगे तो मार्क्स कटेंगे नहीं। तो ये जो कर्ली एरोज है ना, हाफ एरोज, याद रखिएगा ये बात जो मैं बताने लगा हूं, ये हाफ एरोज सिर्फ और सिर्फ इसी मैकेनिज्म में यूज होते हैं। आगे आप जितनी भी ऑर्गेनिक पढ़ेंगे वहां पर हाफ एरोज नहीं बल्कि कंप्लीट एरोज यूज होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो टर्मिनेशन वाला बेटा हमने किया है ना, उसमें टर्मिनेशन वाला जो स्टेप है उसमें इस स्टेप के मार्क्स नहीं है, तो लिहाजा आपने टर्मिनेशन में कभी भी ये रिएक्शन नहीं लिख करा। हालांकि दिस इज टर्मिनेशन, ये टर्मिनेशन ही है, दोनों फ्री रेडिकल्स रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन इस रिएक्शन के एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता। तो अगर टर्मिनेशन करना होगा तो आप इन दोनों में से कोई एक, या अगर उसने लिखा है कि दोनों लिखो, फिर दोनों रिएक्शन लिखने होंगे जिसमें फ्री रेडिकल्स रिएक्शन कर रहे। तीसरी बात जरा सुनने, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर आपको कहीं पर भी कोई आयन बनता हुआ दिखा है कि कहीं पर प्लस चार्ज आ गया, कहीं पर माइनस चार्ज आ गया, इस पूरे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म में? नो सर। तो यहाँ पर याद रखिए, एमसीक्यू में ना वो इस तरह के कुछ क्वेश्चन देता है, बताएं जी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, एच प्लस पर आता है, कार्बन पर आता है, तो आप कहेंगे किसी पर भी नहीं आता ना। दूसरी बात बताएं, इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर क्या आपने ये चीज नोट की है कि डॉट दो ही चीजों पर आ रहा है, या किस पर आ रहा है, हेलोजन पर, या किस पर आ रहा है, मिथाइल बताएं पर भाई, पर कार्बन पर, या किस पर आ रहा है, कार्बन पर। डॉट दो ही एटम्स पर आ रहा है, या कार्बन पर या हेलोजन। क्या हाइड्रोजन के ऊपर डॉट आ रहा है, जरा चेक करें, हाइड्रोजन पर नो सर। नहीं आ रहा, ठीक है, ये भी वो एमसीक्यू में पूछता है। अब एक क्वेश्चन बेटा मैं आपको देता हूँ, वो आप लोग करेंगे, ठीक है, शाबाश। तो वो ये है CH3 ये बेटा इस तरह बनेगा, चलिए जी आप लोग जरा इसका मैकेनिज्म लिखे ना, फिर मैं आपको करके दूंगा, ठीक है। अच्छा बेटा अब जो मैं इसका मैकेनिज्म करता हूँ जरा एग्जाम वाले स्टाइल में, पहले तो आपको समझाना भी था ना, तो आपको दो बात तो मैंने बता दी है कि जब भी आपने फ्री रेडिकल बनाना है, या डॉट क्लोरीन हेलोजन पर आएगा या कार्बन पर आएगा, ठीक है, हाइड्रोजन पर नहीं आएगा, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव आयन नहीं बनेगा। इनिशिएशन का एक स्टेप है, प्रोपोगेशन के दो स्टेप है, टर्मिनेशन के भी आपने दो पॉसिबिलिटीज लिखनी है। तो जरा स्टार्ट करते हैं जी, अब देखें कितने जल्दी से होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इनिशिएशन, सबसे पहले आपने फ्री रेडिकल्स बनाने, तो ये CL इस तरह करेंगे,
कोई आपको एरोस भी लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना, ये पहला स्टेप हो गया। अगर ये भी ओपन करके नहीं लिखना, इतना लिख दो बस, Cl2। प्रोपोगेशन देखो बेटा, पहले तो मैं आपको समझा रहा था ना, प्रोपोगेशन में अगर आपने कंडेंस करके लिखना है, इतना लिख दो भाई, ये भी वो अलाउ करता है, बल्कि मार्क्स की में लिखता ही ऐसे। देखो आपको ऊपर से याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि सीएल डॉट ने किसके कौन सा बॉन्ड तोड़ना है भाई, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है। यहां से देख लो अगर भूल रहे हो, कि ये सीएल डॉट है ना, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा, एचसीएल बनेगा, तो डॉट कार्बन पर आएगा। तो यहां पर देखो ना, एक तो एचसीएल बनेगा, एचसीएल बना लो, और दूसरा अब एक एच कम हो गया ना, तो ये C2H5 और कार्बन के ऊपर डॉट लिखो। अगर नहीं समझ आई तो मैं इसको ओपन करके लिख देता हूँ ऐसे, ये लो, ये किया ऐसे, KCl डॉट, ये ऐसे बॉन्ड ऐसे टूटा बेटा, ये देखो। अब समझ आई ना कि HCl बन गया और ये बन गया C2H5, ठीक है। अच्छा अब आपको पता है प्रोपगेशन के दो स्टेप्स होते हैं ना बेटा, तो ये जो ऊपर अभी फ्री रेडिकल बना है ना, इसने जारी बात है रिएक्ट करना है, तो ये C2H5 डॉट ये रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ, और अब बेटा ये इसने क्योंकि कार्बन या बॉन्ड बनाना है क्लोरीन के साथ, तो ये C2H5Cl और क्लोरीन पर डॉट आएगा। ये देखो ऐसे ही है ये, अगर इसको मैं नीचे करूं ऐसे करके, ये था ना, और ये Cl2 ऐसे था, तो ये बेटा देखो यहां से ये बॉन्ड इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये ऐसे बन, ये बनेगा C2H5Cl और Cl पर डॉट, ये बन गया जी। अब लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में क्या होने जा रहा है देखना, बोथ फ्री रेडिकल्स रिएक्ट, फ्री रेडिकल्स बेटा रिएक्शन करेंगे, मतलब उसमें मैंने आपको कहा सीएल डॉट का नहीं करना, उसके मार्क्स नहीं देता, तो आप एक कर लो C2H5, देखो एक ये कर लो ना, एक ये और एक आपके पास ये, इनका आपस में रिएक्शन कर लो, C2H5 और सीएल डॉट, ये बनेगा C2H5Cl, और दूसरा बेटा ये है C2H5, ये अपने ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर देगा C2H5, तो ये क्या बनेगा C4H10, मतलब ये ब्यूटेन बनने जा रहा है बेटा, देखो ऐसे है ये था ना CH3CH2 डॉट, और ये एक और था जी CH2NCH3, ये देखो ये दोनों डॉट्स आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे तो ये C4H10 बनेगा ना, ब्यूटेन बन जाएगा, कार्बन चेन आपकी क्या होगी, ये डबल होगी। अब मेरा एक और क्वेश्चन, ये जो मैं जितनी बातें मैंने आपको बताई ये एमसीक्यू में पूछता है, मेरा एक और क्वेश्चन ये है बेटा, ये जो तीनों स्टेप्स आपने देखे हैं इसमें, ये आपके सामने है स्क्रीन पर, इसमें से मुझे ये बताओ इनिशिएशन प्रोपोगेशन टर्मिनेशन ऐसा कौन सा स्टेप है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होने का मतलब है वो रिएक्शन रेडिली हो रहा है, ऐसा कौन सा है जो रिएक्शन रेडिली हो रहा है, इसमें से वो कौन सा स्टेप है, इनिशिएशन है, प्रोपोगेशन या टर्मिनेशन? टर्मिनेशन टर्मिनेशन वाला जो स्टेप है ये बेटा, टर्मिनेशन वाला जो स्टेप होगा ना, ये सबसे फास्ट होगा, सबसे फास्ट है भाई। इसकी रीजन क्या है फास्ट होने की, कि भाई बहुत फ्री रेडिकल्स रिएक्ट, फ्री रेडिकल्स तो बड़े रिएक्टिव होते हैं ना, तो ये फ्री रेडिकल्स जब रिएक्शन करेंगे तो एक तो रिएक्शन फास्ट होगा, जब रिएक्शन फास्ट होता है इट मींस उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है। वैसे ओवरऑल ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें यूवी लाइट इज रिक्वायर्ड, अगर आप यूवी लाइट नहीं दोगे तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है बेटा। तो कल इंशाल्लाह कल की क्लास में जो टाइम पर होगी 7:15 पर, कल की क्लास में इंशाल्लाह हम बेटा देखेंगे कंबसन, क्रैकिंग, और कोशिश करेंगे अल्कीन का भी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लें साथ में, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना काफी है, ये मैं नोट्स भी आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। अल्लाह।